करना ही नहीं बल्कि अपने महकमे में साफ सफाई और अपने कार्यालय के आसपास के इलाके में स्वच्छता सहित फरियादियों के बैठने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना होता है। यह भी कुशल पुलिसिंग का ही एक हिस्सा है। इसी के तहत बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने अपने ही पुलिस ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एसएसपी ने फरियादियों के बैठने के लिए एसी हॉल का मुआयना किया, साथ ही साफ सफाई और शौचालय का भी जायजा लिया। एसएसपी ऑफिस में पूरे जिले के दूर दराज इलाके से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विशेष तौर पर उनके बैठने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। साथ ही शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया, जिससे कि साफ सफाई पर वहाँ के कर्मचारी हमेशा इसे गंभीरता से लेते हुए तैनात रहे। इसमें क्या है? वो जो बना हुआ है, तो सही होती है। ये इधर खिसक जाएंगे, ये हैं। ये इधर खिसक जाएंगे, ये दरवाजा इधर हो जाएगा, बैठे जाएंगे, दरवाजा इधर हो जाएगा, यही दरवाजा उठा के इधर करवा दीजिए, जब बंद है नया दरवाजा इधर खोल दीजिए। थोड़ा सा उधर एडजस्ट करो, बीच में पत्ता गलियारा बना दें और इधर से उसके लिए बेस्ट है कि आप अपनी एक दो अलमारी बाहर ले जाएं, जो नॉन इम्पोर्टेंट है, आप दीवार से सट जाएं पीछे, बाकायदा अपना सेक्शन बोर्ड लगाएं, बड़े बाबू का फोन के साथ क्या करना है आप पीछे कर दीजिए, यहाँ पार्टीशन लगवा दें और छोटा सा चैम्बर हो जाएगा आपका अपना, ठीक समझ रहे हैं? हाँ, तो जो आप फाइल नहीं लगा रहे हैं उसको से मतलब आपका है कि यहाँ पर फिर पानी जाता है? हाँ सर, यहाँ पानी आता है, यहाँ से पूरा पानी आता है, मैं तो चढ़ के आ जाता हूँ सर, आप यहाँ से आना पड़ता है। अच्छा, ये सड़क से नीचे है ही ये तो है। ये वीडियो लगा अपने इस निरीक्षण के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से विशेष रूप से बात करते हुए डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, गलियारा है जिसमें जनता बैठती थी, उसमें पंखे वंखे लगे हैं, लेकिन अब हमने एक जो चूंकि खाली जगह एक सामने थी, जैसा आपको पता है, उसमें एक कक्ष बना करके लोगों को 15-20 लोगों के बैठने की व्यवस्था, जिससे कि वो इंतज़ार कर सकें, जिस भी दफ्तर में जाना है उनको अगर कहीं इंतज़ार करना है, उस फैसिलिटी के तहत आज मैं निरीक्षण कर रहा था कि उसको कैसे और उन्नत बनाया जाए और एक उसमें अच्छे से बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वगैरह करें। जिलाधिकारी सभागार में सीडीओ अनुज